नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। यहां सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। शुरुआत करेंगे सबसे पहले M6 कॉटन से। रूपा जी, M6 कॉटन पे आपने टारगेट दिया था 44,000 का, आपका वो टारगेट अचीव होता नजर आ चुका है। कॉटन में देख रहे हैं कि 44,500 पर M6 पर कॉटन ट्रेड होती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी कॉटन और तेजी की ओर जाएगी या फिर यहाँ से अभी जो शार्प करेक्शन है वो देखने को मिलेगी? देखिए, अभी बाजार जो है वो तेजी में है, नो डाउट, लेकिन करेक्शन कभी भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको ध्यान में रखकर ही मार्केट में स्टैंड रखना चाहिए अपना पोजिशन। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अभी वॉल्यूम पड़ रहे हैं और तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो बाजारों में एक अच्छी खासी रैली आती हुई कॉटन में अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी और बाइंग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो बाइंग है उसको बल्कि लिक्विडेट करने की स्ट्रेटेजी ही फॉलो करें। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ माल लिक्विडेट करते रहे, सस्टेनेबल नहीं है मार्केट, थोड़ा सा अपसाइड जा सकता हो सकता है, 45,000 तक आपको ये लेवल आते हुए दिखाई जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वारगम 13,000 के ऊपर और ग्वासीर 6,500 के ऊपर सस्टेन है। रूपा जी, देख रहे हैं कि ग्वारगम ग्वासीर में इस बार काफ़ी समय के बाद ऐसा होता नज़र आ रहा है कि ग्वारगम ग्वासीर में तेजी तो आ रही है लेकिन करेक्शन नहीं आ रही है, एक तरफा तेजी ग्वारगम ग्वासीर में देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ चांसेस हैं कि ग्वारगम ग्वासीर में यहाँ से करेक्शन बन जाए या फिर जो तेजी है ये ऐसी कंटिन्यूस बनी रहेगी? देखिए, अभी तो क्रूड के अंदर जो इंपैक्ट है उसकी वजह से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है और ओवरऑल भी देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रहा है मार्केट इस साल। तो जो साल के शुरुआती दौर में ही हमने देखा था कि ग्वार में उछाल देखने को मिला था और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस साल ग्वार जो है वो अच्छी जा सकती है। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर 13,000-13,500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो आपको नेक्स्ट लेवल जो है इसका 15,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, नो डाउट, एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा करेक्शन में मार्केट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और 7,000 आप सीड में भी टारगेट आने वाले दिनों में देख सकते हैं जी। ये सर जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसाल में देख रहे हैं कि आज भी पॉजिटिव ही रुख देखने को मिल रहा है, लेवल्स आज भी ठीक ठाक हैं। धनिया 12,500 पर, जीरा 22,000 पर और हल्दी 9,000 पर। रूपा जी, कुछ लेवल्स लुढ़के हैं, कुछ कुछ करेक्शन बनी है लेकिन अभी भी सपोर्ट लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं मसाले, आपको क्या लगता है, क्या मसालों में यहाँ से अभी करेक्शन बनने वाली है या फिर जो तेजी है यहाँ से फिर से लौट सकती है? देखिए, तेजी लौट सकती है, करेक्शन आज इंट्राडे में बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है और एक्सपायरी भी करीब है, इस वजह से बाजार जो है थोड़ा सा उठा पटक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडामेंटल सपोर्टिव है और आगे अब देखिए थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है और आगे शादी ब्याह का भी सीजन शुरू हो जाएगा, तो तेजी का रुझान बना रहेगा क्योंकि एक डिमांड पिकअप होती हुई नजर आएगी मसालों की, तो मुझे लगता है कि आगे तेजी में रह सकते हैं, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो या फिर हल्दी, इन सब में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज शॉर्ट टर्म में बाजार गिर सकते हैं लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जी। ये सिर्फ जी, बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल देख रहे हैं कि आज 3,000 के बाद 3,100 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, कुछ एक्सपर्ट्स को अभी भी ये उम्मीद है कि बिनौला खल 1 से 1.5 महीने के अंदर 3,400 का लेवल दिखा सकता है। रूपा जी, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या ये लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि बिनौला खल तेजी की ओर जाए? देखिए, बिनौला खल तेजी की तरफ सस्टेन नहीं होता दिखाई दे रहा है। देखिए, कॉटन में जो तेजी आ रही है उसका इम्पैक्ट भी अभी मार्केट पे नहीं आया है, इसकी वजह से मार्केट लुढ़क नहीं पाया और अब देखिए इसका सपोर्ट लेवल बन चुका है 3,000 और ऊपर में 3,200। फिलहाल हमें ये रेंज दिखती है, यहाँ से अगर सपोर्ट भी आता है तो ऊपर में 3,200 तक जा सकता है, उससे ज्यादा फिलहाल मुझे तेजी नहीं डर लग रही है। हाँ, अगर मार्केट सस्टेन कर गया 3,200 के ऊपर तो हो सकता है आपको लेवल देखने को मिले, लेकिन ये अभी के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें दूरी बना के रखना चाहिए, यहाँ पर बाइंग की रणनीति को अवॉइड करना चाहिए जी। ये सब जी, बात करें अगर अब कैसे सीड की, तो जिन लेवल से कैसे सीड का वायदा बाजार टूटना शुरू हुआ था, अब देख रहे हैं कैसे सीड धीरे धीरे उन्हीं लेवल्स पर सस्टेन होता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कैसे सीड मई वायदा 7,200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ कैसे सीड फिर से 7,500-7,600 के लेवल दिखा पाएगा? देखिए, कैस्टर भी एक रेंज बाउंड है, पहले भी हमने देखा 7,200-7,300 के आसपास आया था लेकिन उसके बाद से फिर हमने इसमें करेक्शन आते हुए देखी,
जब तक 7380 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक 7700 का टारगेट काफी मुश्किल लग रहा है। अभी हो सकता है आज इंट्राडे में एक अच्छा रैली है, 1.25% की तेजी है, तो आपको 7260 से 7280 इंट्राडे में ये लेवल देखने को मिल सकते। जी ये सर पर जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन देख रहे हैं फिर से $1700 के करीब है, वह $1697 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है, जब विदेशों में फिर से देख रहे हैं सोयाबीन तेज हो रही है, तो क्या इसका असर अब घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ता दिखाई दे सकता है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, और अभी तो खाद्य तेलों में तेजी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है डाउन साइड की, तो मेरे हिसाब से बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। जी सिर्फ जी एडिबल ऑयल की बात की जाए, तो खबर निकल के सामने आ रही है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर की जो स्थिति है उसकी वजह से वहाँ से सूरजमुखी का तेल की सप्लाई जो बाधित हुई थी उसकी जगह लोगों ने सीपीओ की ओर रुख किया है, और जिस इसकी वजह से इंडोनेशिया से सीपीओ की जो खपत है वो ज़्यादा होने लगी। अब ऐसे में इंडोनेशिया में ही खुद सीपीओ की किल्लत देखने को मिल रही है, तो वहाँ की जो सरकार है ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि सीपीओ का जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा सकती है। तो रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत जो कि दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य तेलों का आयातक देश है और उस खाद्य तेलों में आयात में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा भारत में सीपीओ का ही देखने को मिलता है, तो क्या ऐसे में रिफाइंड महंगा होने सकता है आगे जाके? देखिए अभी जो सिनेरियो है और जो जैसा कि अभी आप फंडामेंटल बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्टेड है, अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है विदेशी बाजारों में और एक्सपोर्ट वहां से बैन होता है, हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यहां पर भी प्राइसेस के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। और अगर एक दो तेलों के अंदर भी अगर कोई एक्सपोर्ट बैन होता है तो उसका असर सीधा अदर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और डेफिनेटली प्राइसेस जो है वो अपसाइड में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो रुझान अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, शॉर्ट टर्म रैली में हो सकता है कुछ करेक्शन बने, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। जी ये सिर्फ जी सरसों में क्या लगता है आपको, सरसों में देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे अराइवल का प्रेशर खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे जो प्राइसेस हैं वो भी अप होते जा रहे हैं बंपर उत्पादन के बावजूद, ऐसे में आगे सरसों की कीमतें क्या रह सकती हैं? सरसों की कीमतें अभी वापस से जो गिरावट में आई थी उसके बाद एक बार फिर से मार्केट संभला है और प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर प्रोडक्शन जरूर अच्छा खासा है लेकिन वही डिमांड भी अच्छी खासी पिकअप होती दिखाई दे रही है, तो ये तेजी जिनमें बाद फिर बना रह सकता है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर वीट की, तो वीट में देख रहे हैं कि भारत एक्सपोर्ट में एक के बाद एक नया रिकॉर्ड हासिल करता नजर आ रहा है, भारत कृषि फसलों के निर्यात में रिकॉर्ड तो बना ही रहा है, साथ के साथ इस बार भारत अपने गेहूं से पूरी दुनिया का पेट भी भर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है जो गेहूं अब 2300, 2400, 2500 इन रेट्स पर बिकता नजर आ रहा है अलग अलग मंडियों के हिसाब से, तो क्या आने वाले समय में अगर निर्यात में और तेजी आती है तो क्या कीमतों में भी और तेजी आ जाएगी? ये बिल्कुल अभी रूस और यूक्रेन की स्थिति की वजह से ही गेहूं की एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती नजर आ रही है, और अगर युद्ध में अभी युद्ध जो है वो नहीं सॉल्व होता है, अगर इसी तरीके से अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होंगे और गेहूं की डिमांड बढ़ती है दिखाई देगी और प्राइसेस के अंदर उछाल आ सकता है। जी रूपा जी देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज का बाजार भी आज हरा भरा ही देखने को मिला है, तो आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे एग्री कमोडिटीज में? देखिए एग्री कमोडिटीज के अंदर आज हल्की गिरावट की तरफ मार्केट है मसालों का, तो इसमें तो निचले स्तरों पर बाइंग की ही रणनीति पकड़नी है, और वहीं अगर देखा जाए तो ग्वार आज लग रहा है मुझे मई वायदा 13200 तक ऊपर जा सकता है, और सीड की बात करें तो सीड भी आज 6500 के अप्रैल वायदा तो एक्सपायरी के मुकाबले लेकिन मई वायदा जो है वो 6460 तक ऊपर जा सकता, तो मेरे हिसाब से आज ग्वार में खरीदारी करके चलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और किन कम्युनिटीज़ में कहां पर कमाई के मौके हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार यूँ ही जारी रहेगी मार्केट एमसीवी पर।